वहाँ पे? क्या बात क्या हुआ एक्चुअली? सर मैंने एग्जाम दिया था, क्या नाम है, रिटन में फिजिकली स्पाई करने चलेगा, ठीक है, लेकिन वो फिजिकल लड़कियाँ जो निकली नहीं थी वही लड़कियाँ उनको एग्जाम के लिए बुलाया गया था। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पैसे लेके जो कुछ भी किया ना, पढ़ के लिए पाठ के लिए कुछ भी चला है, रिटर्न में बैठाया गया एग्जाम के लिए लड़कियों का। और बाद में जो लड़की सिलेक्शन की है उनके सभी के कट ऑफ गया है, 95 मार्क्स है किसकी, 96 मार्क्स है किसकी, 92 मार्क्स है, और इतने मार्क्स कितने कहाँ से आ गए? ओके ओके, वो ये इन्होंने धोखा किया, पैसे लेके जो भी किया पैसे लेके किया है, ठीक है। और मेरा लिस्ट में ना नहीं है, ना तो डिसक्वालीफाई लिस्ट में ना आया, ना तो क्वालीफाई नाम लिस्ट में आया। अभी मैं गया था, मैम ने धक्के मार के मुझे बाहर निकाला, बोलते कि यार दफा हो जो बाहर निकल गया, क्या नाम है, सीईओ मीनाक्षी भैया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाला। अच्छा, बोला कि गेट आउट माय रूम। ओके ओके, मैंने यही सवाल किया, मैम अगर फिजिकल में लड़के क्लियर नहीं तो किसकी परमिशन थी एग्जाम देने के लिए वहाँ पे? किसने बोला लड़के नहीं वहाँ जा सकते? बिल्कुल, लड़कियों किसने भेजा एग्जाम देने के लिए? बिल्कुल, खुद मेरे बैच की लड़की ने 24-25 लड़के भगाई थी, उन एक लड़की सिलेक्शन हुई है, लेकिन मैं खुद जस्टिफाई कर सकता हूँ, 5 लड़की वहाँ रिटर्न देने के लिए बैठी थी और किसी परमिशन से। अगर हम ऐसे लड़ते रहेंगे तो कभी नौकरी नहीं मिलेगी हमें, हमें नौकरी तब भी मिलेगी हम स्ट्रगल करेंगे और उनसे लड़ाई करेंगे, फाइटिंग करेंगे, तब मिलेंगे, हाँ अपना अधिकार लेंगे। लोगों के जो स्कूल एजुकेशन के सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से वेरीफाई करवाए जाए, और जिन्होंने जन्म के प्रमाण पत्र दिए हैं वो जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ का जो भी सर्टिफिकेट डेथ ऑफ बर्थ देता है वो उनके द्वारा किए जाए। ये वाला दोबारा बोलना, जन्म और मौत के जो लोग प्रमाण पत्र देते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जिन्होंने बनाए हैं, वो चीज हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ की मार्फत जो है उनको वेरीफाई कराए। पर वो पंजाब वालों के ना, हमारे यहाँ तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट। मैम इसमें मैंने एक वो दिया है, सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं जिन पर जब तक सफाई कर्मचारी वाल्मीकि भाईचारे के लोग आपको एफिडेविट नहीं देते भी हम नहीं करेंगे वो नौकरी, तब आप जनरल कैटेगरी के लोग भर्ती करेंगे, नहीं तो उनको इसका मुझे वो डिटेल केस दे दीजिए, आपकी ये सारी रिक्वेस्ट हम करेंगे। हम बस इतना सही चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, हम सब बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मैम, लड़ाई झगड़ा तो हमारे लोग, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, ऐसा नहीं था कि ये आखिरी रिक्रूटमेंट था कैंट का, और भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, डेथ केसेस भी हम पूरा कोशिश करेंगे, हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज उनके लिए भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, ठीक है, और एक रिक्वेस्ट और है जी, जो लोग जिन्होंने अब इस वाली रिक्रूटमेंट में अपनी कंडीशनें पूरी की हैं, दौड़े भी पूरा है, टेस्ट भी पूरे दिए हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं पेपर में जानबूझ के जो लोग चेक कर रहे थे एब्सेंट मार्क कर दिया गया, लाइन से बाहर कर दिया गया, उन लोगों की लिस्ट मैं आपको कल बड़ी ईमानदारी के साथ आके या किसी भी लड़के को भेजूंगा, आपको सिर्फ आपको मिलेगी मैम वो ऑफिस के। मैं वैसे सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये मैनुअल चेकिंग नहीं हुई है ओएमआर शीट्स की, ठीक है जी, जो एजेंसी ने करा है इनके लिए एक अलग से मशीन होती है जिसमें ये शीट्स रीड होती हैं, इनको आप हाथ से नहीं चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी ने अपना रोल नंबर ढंग से नहीं भरा है या रोल नंबर भरते टाइम दो सर्कल कर दिए, सपोज 6 करना था 6 और 7 दोनों सर्कल कर दिए, रोल नंबर इनवैलिड किया, ऐसी 51 शीटें, मैं ही आपको डेटा दे रही हूँ, ऐसी 51 शीटें जो इनवैलिड हुई हैं, ठीक है। अगर आपका 100 में से 100 भी स्कोर है पर अगर आपने प्रॉपरली नहीं भरा है तो वो इनवैलिड कैटेगरी में आती है, मशीनी चेक होती है ये शीट्स, एक एक नहीं चेक होती है ओएमआर। अब मैम इसमें यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आपकी मशीन की वजह से भी मानी जा सकती है, क्योंकि जो लोग मशीन भी सुनी हमारी नहीं है, हम लोगों की वो मशीन ही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल मशीन ऐसा है मैम की सफाई कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कहीं पर भी ये मापदंड जो है नहीं अपना। देखो अभी रेलवे का, ऑल ओवर इंडिया में सुनो, अभी रेलवे का निकला है 10th पास मांग रहे हैं वो, नहीं वो मांग रहे हैं आप सब, उसमें मैम उसमें उन्होंने एक और चीज दी है कि उसमें सफाई कर्मचारी कम चपड़ासी भी हो सकता है, सफाई कर्मचारी कम ऑफिशियल हेल्पर भी हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड जलंधर, सफाई कर्मचारी संगठन जलंधर पंजाब से कुछ हमें मेमोरेंडम देने लोग आए थे और उनके कुछ कंसर्न्स थे, हमने सुना है उनको और उनकी जो भी ये मांगे उन पे अमल भी किया जाएगा, उनके बहुत छोटे छोटे रिक्वेस्ट थे रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा भी रिक्रूटमेंट हुआ है तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी उस पर एक्शन ले लिया था सुबह ही, और
एकदम फेयर प्रोसेस से पीपल विल बी रिक्रूटेड, और जो भी नहीं ले ला पाएंगे अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे, देन वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स विल मूव अप। ओके ओके। सरजीत के साथ एसके सक्सेना सबसे फास्ट आमने सामने जिंदर कैंसर।